हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। ये सब्जी फटाफट बन भी जाता है और खाने में लाजवाब होता है। रोटी चपाती के साथ खाने में बहुत टेस्टी होता है। इस सब्जी को बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं टेस्टी सब्जी कैसे बनता है। 3 पीस बैंगन लिए हैं, 1 ग्राम से 250 ग्राम है। इसके जो ऊपर का ये पत्ती वाला हिस्सा होता है, इसको इस तरह से काट के निकाल देंगे और डंठल वाला हिस्सा इस हिस्से को फेंकेंगे नहीं, इस तरह से इसे काट लेंगे। बैंगन को छील लेंगे। आप चाहें तो बिना छीले भी सब्जी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चाहे तो बैंगन को छील के पकाइए, चाहे बगैर छीले पकाइए। छीले हुए बैंगनों को काटेंगे इस तरह से, बीच से काट के ऐसे काट। बैंगनों को अभी पानी में डालेंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा। 3 मीडियम साइज का आलू छील के काट के पानी में डाल दिए थे, जिससे ये काला ना पड़े। जब सब्जी पकाना होगा तब इसे धो के स्टेनर में रख देंगे। गैस पर कुकर गरम है, इसमें 2 कलछुल ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, 2 पीस पोड़ौरी लिए हैं, इसे बरी भी कहते हैं। इसे ऑयल में डाल दिए और इसे इस तरह से घुमा के फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया, 1 छोटा साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2-3 कली लहसुन कटा हुआ डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे। इन सब चीज़ों को सजाएंगे। हींग डालेंगे, हींग से खुशबू भी अच्छा रहता है और पेट भी सही रहता है। 2-3 मिनट तक इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज गुलाबी कलर का हो गया है, अब आलू को धो के स्टेनर में रख दिए थे, अब कुकर में डाल देंगे और इसे 3-4 मिनट तक फ्राई होने देंगे। फ्राई हो गया, अब बैंगन को धो के स्टेनर में रखेंगे, इसे भी आलू में डाल देंगे। बैंगन को भी आलू के ऊपर फ्राई होने देंगे। बैंगन भी फ्राई हो गया है आलू के ऊपर, अभी से 1/2 चम्मच का गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे, नमक 1/2 चम्मच से ज़्यादा डालेंगे। नमक आप अपने अंदाज से रखेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे। भून गए हैं, 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर मिलाएंगे। टमाटर को 2 मिनट तक पकने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे और इन्हें मिला लेंगे। कुकर में ढक्कन लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी तक सब्जी को पकने देंगे। कुकर 3 सीटी ले चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे। कुकर से प्रेशर निकाल के सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी तो अच्छे से पक गया है, आलू भी गल गया है। अब सब्जी में कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन्हें मिलाएंगे। सब्जी बनके रेडी हो गया है। आलू बैंगन के सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये खाने में लाजवाब होता है और फटाफट बन भी जाता है। ये रोटी पराठा के साथ बहुत टेस्टी होता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।